जी हाँ दोस्तों, जेल में बंद सुशील कुमार को लेकर लगातार अपडेट सामने आती रहती है कि किन हालातों में सुशील कुमार अपनी रातें काट रहा है जेल के अंदर। कभी कोई किसी का कहना है कि वो जेल के अंदर कभी रोते बिलखते नजर आते हैं, तो कभी कोई कहता है कि वो जेल के अंदर काफ़ी कसरत कर रहा है। और साथ ही साथ कई सारे पुलिस अधिकारियों का सूत्रों के मुताबिक ये भी कहना है कि जेल के अंदर सुशील कुमार फर्श पर लेटते हैं, फिर उसके बाद एकदम से खड़े उठते हैं, फिर कहते हैं मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। और खबरों के मुताबिक दोस्तों कहीं ना कहीं उसे अब हफ्तों में दो बार बात करने का मौका दिया जाता है परिवार वालों से, जो जेल के नियम है। तो ऐसे में पिछले गुरुवार को उनको बात कराई गई थी और सूत्रों के मुताबिक इस गुरुवार को भी उनके परिवार वालों से बातचीत कराई गई थी और उससे पहले भी उनके परिवार वालों से बातचीत हो रही है। लेकिन अगर कुछ पुलिस अधिकारी उनकी कान लगाकर बातें सुनते हैं तो उनका यही कहना है कि सुशील कुमार लगातार उनसे यही पूछता है कि आप सब कैसे हो, क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे में कोविड काल में दोस्तों हर किसी बड़े शख्स को, सदस्यों को अपने परिवार की बहुत फिक्र रहती है, जो घर का मुखिया होता है। तो सुशील कुमार को भी अपने परिवार वालों की बहुत फिक्र है, लेकिन जेल के अंदर सुशील कुमार की रातें बड़ी ही मुश्किल से कट रही हैं। पहला रीज़न तो दोस्तों ये है कि वो क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन में दोस्तों साफ देखने को मिलता है कि वो शख्स अकेला होता है पूरी तरीके से, खाना उसको समय पर मिल जाता है। सुशील कुमार को जेल किट दी गई है जिसमें उसकी हर ज़रूरत का सामान है जो जेल के अंदर काम आएगा, जिसमें टूथब्रश से लेकर उसके टॉवल से लेकर उसके पास एक मग्घा, एक छोटी सी बाल्टी सब प्रोवाइड कराया गया है, जिससे वो अपने रोजमर्रा का काम कर सकता है जेल के अंदर। तो ये लगातार अपडेट्स सामने आ रही है कि जेल के अंदर सुशील कुमार अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद जारी रखे है और एक एक करके रातें काट रहा है। अब उसको 25 जून तक जेल की सलाखों के पीछे रहना है। लेकिन उसके बाद दोस्तों ये भी अपडेट सामने आई थी कि उसने अपना खुद का ही एक पर्सनल डंबल बना लिया है, पानी के कैने भर के, उसी से ही अपनी फिटनेस को फिट रखता है। और साथ ही साथ जेल के खाने के जो उसको स्पेशल डाइट यानी कि जो प्रोटीन भरी डाइट था, उसका भी उसने एक तोड़ निकाला है कि जेल की कैंटीन से थोड़ा बहुत खाना खरीद कर खा सकता है, जिसमें दूध और सीजनल फल होते हैं, जो सीज़न के हिसाब से फल होते हैं। इस समय तो आम, तरबूज, केले बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वो वहाँ से खरीद के खा रहा है। इसी के साथ साथ उसको जेल में अधिक रोटी भी प्रोवाइड की जाती है। रोटी इस वजह से ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि 16,000 प्लस कैदी होते हैं, सबका खाना बनता है। तो ऐसे में दोस्तों जो खाना कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, जो कम खाता है उसके खाना एक्स्ट्रा रोटी बच जाती है, वो ही सुशील कुमार को दे दी जाती है एक्स्ट्रा रोटी के रूप में। तो उसको अलग से रोटी भी एक्स्ट्रा मिल रही है। तो सारी ये अपडेट सामने आ रही है कि जेल के अंदर सुशील कुमार अब कहीं ना कहीं एक आदि डाल रहा है, और आदत तो दोस्तों उसको डालनी ही पड़ेगी क्योंकि अब उसके पास शायद दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है कि उनको एक्स्ट्रा डाइट फूड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा और ना ही कोई जिम इक्विपमेंट। ये बड़ी वजह सामने आई है। तो जेल के अंदर सुशील कुमार की हालत कह सकते हैं कि इतनी भी सही नहीं, लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए मानसिक रूप से मजबूत है कि वो कहीं ना कहीं इन सब मामलों से आज नहीं तो कल ज़रूर बरी हो जाएंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।